तो आप सभी ने सुना होगा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस भी जगह पर औरतों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आज हमारे समाज में औरतों के खिलाफ हो रही क्रूरता, औरतों के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा हमें हमारे समाज के पुरुषों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की इजाजत देती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करता कौन है। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जो करता है और जिस पर घरेलू हिंसा होती है, उन लोगों के बीच में एक रिश्ता यानी कि एक रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर घरेलू हिंसा करने वाला कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजिशन पर होता है जो वो जिस पर्सन पर यानी कि विक्टिम पर जिस पर घरेलू हिंसा हो रही है वो कहीं ना कहीं उस पर एक कंट्रोल रखता है, वो कहीं ना कहीं उसको दबाता है। चाहे वो पर्सन जिस पर जो विक्टिम है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या फिर वो इमोशनली डिपेंडेंट हो, लेकिन एक रिश्ता होता है और घरेलू हिंसा करने वाले की तरफ से एक कंट्रोल होता है, एक पावर होती है। साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत है, अगर हम इसका कोई उदाहरण देखें तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस बाय हस्बैंड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस बाय मदर इन लॉ, जैसे कि इन लॉज अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अपनी डॉटर इन लॉ पर, या हस्बैंड करता है डोमेस्टिक वायलेंस अपनी वाइफ पर, तो एक रिलेशनशिप है उन दोनों लोगों के बीच में जो हिंसा कर रहे हैं और जिस पर हिंसा हो रही है, और कहीं ना कहीं एक पर्सन के पास पावर है और अथॉरिटी है दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की। अब साथ ही ये सवाल उठता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। तो ये वायलेंस किसी भी एक टाइप का वायलेंस नहीं है, इसका बड़ा वाइड कॉनोटेशन है, काफ़ी सारे टाइप्स में आते हैं। जैसे हम बात करें सेक्सुअल वायलेंस इसमें आता है, फिजिकल वायलेंस इसमें आता है, इमोशनल वायलेंस इसमें आ सकता है, और साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये इमोशनल वायलेंस क्या है या इमोशनली किसी को हरास करना क्या है। तो यहाँ पर ये बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, ये केस टू केस सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। एक चीज़ जो मेरे लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकती है, हो सकता है किसी और पर्सन के लिए वो उतनी इमोशनली एग्जॉस्टिंग ना हो। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, इसलिए इसको एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन देना थोड़ा सा कठिन है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आज भी टाइम के साथ समय के साथ इवॉल्व कर रही है। अगर अब हम बात करें एक्ट की, तो हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये एक्ट है 2005 का, और इस एक्ट में पहली बार, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इस एक्ट ने पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस को एक डेफिनेशन देने की अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसको यहाँ पर उस पर्सन पर लाइबिलिटी आती है और उसको फिर रेपरकशंस देखने और झेलने होंगे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर जो समाज अपने औरतों की डिग्निटी को, उनकी क्वालिटी को, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो उस समाज का अंत होना तो निश्चित है। विमेन की डिग्निटी सोसाइटी की डिग्निटी है, और हमें विमेन के फंडामेंटल राइट्स, विमेन की लाइफ और विमेन के जो अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई खास सवाल है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।